महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच जो है एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट जीता, 164 वोट से आगे हैं। सपा और एमएम के विधायकों ने वोटिंग से बनाई दूरी, कांग्रेस और एनसीपी के कुछ विधायक भी नहीं दे पाए वोट। महाराष्ट्र विधानसभा में नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुमत मिल गया। सदन में कुल 287 विधायकों में से शिंदे को 164 विधायकों का साथ मिला है, जबकि मोहब्बत के लिए 144 वोटों की जरूरत थी। इस तरह से एकनाथ शिंदे शक्ति परीक्षण में पास हो गए और उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। वहीं एकनाथ शिंदे के विरोध में कुल 99 वोट पड़े, जबकि सपा और AIMIM ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये दोनों पार्टियां औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर नाराज चल रही थी। इससे पहले बीते रविवार 3 जुलाई को विधानसभा स्पीकर के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के राहुल नार्वेकर को विधानसभा स्पीकर चुना गया था। उन्हें भी 164 वोट मिले थे। तभी यह स्पष्ट हो गया था कि एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करने में दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले एक शिंदे का समर्थन करने वाले शिवसेना के बागी विधायकों को बीते शनिवार 2 जुलाई को गोवा से मुंबई लाया गया था। विधानसभा वोटिंग को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई में एक महंगे होटल में ठहराया गया था। वहीं नार्वेकर ने विधानसभा स्पीकर का पद संभालते ठाकरे समर्पित अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया और इस पद पर एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया। इसके अलावा नार्वेकर ने शिंदे ग्रुप के भरत गोगवाले को शिवसेना का चीफ घोषित करने के फैसले में स्वीकार किया और ठाकरे कैंप के सुनील प्रभु को इस पद से हटा दिया गया था। बहुमत प्रशिक्षण के दौरान उद्धव ठाकरे कैंप के विधायक संतोष बांकर ने अचानक से पाला बदलते हुए एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट किया। इससे पहले वो ठाकरे गुट में थे। जब वो शिंदे के पक्ष में वोट डाल रहे थे तो ठाकरे के साथ वाले विधायकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान और पूर्व कांग्रेस मंत्री विजय वेड्डीटीवार देरी ने सदन पहुंचे थे और उन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई। ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।